नमस्ते दोस्तों, फूड कमराडरी में आपका फिर से स्वागत है। वीकेंड्स की सुस्त सुबह हो या वीकडेज की भगदड़, कोई जल्द बनने वाला पौष्टिक नाश्ता हम सब चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं शुद्ध शाकाहारी पैनकेक्स बिना मैदे के, और इसमें हमने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लगेगा एक कप यानी कि करीब 125 ग्राम गेहूं का आटा, आधे कप से थोड़ा कम यानी कि करीब 50 ग्राम चावल का आटा, 3 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर। इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे। फिर मिलाएंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिघला हुआ मक्खन, 1 टेबल स्पून थोड़े मोटे तौर पर पीसे हुए बादाम, 2 पके हुए केले, थोड़े ज़्यादा पके हो तो बेहतर है, इनका हमें अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर हम इसमें मिलाएंगे 2 कप दूध, फिर मध्यम तरीके का पेस्ट बनने तक हम इसे अच्छी तरह से विस्क करेंगे। पेस्ट बन जाने के बाद आखिर में हम इसमें मिलाएंगे 2 बूंद वनीला एसेंस। आटा तैयार हो जाने के बाद हम पैन को कम से मध्यम आंच पर गरम करेंगे। वीडियो में बताया गया पैन जरूरी नहीं है, आप कोई भी और छोटे पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में हल्का सा मक्खन लगाएंगे और फिर इसमें डालेंगे आटा। पहले हम पैनकेक की ऊपरी सतह पककर सख्त दिखने तक इसे पकाएंगे, फिर इसे पलटकर इसकी दूसरी सतह को भी पकने देंगे। और ये हो गई तैयार आपकी शुद्ध शाकाहारी पौष्टिक पैनकेक। इसके ऊपर चाहे तो हम मेपल सिरप, शहद या चॉकलेट सिरप डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। केलों के टुकड़ों के साथ इसका सेवन और स्वादिष्ट लगता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम हर हफ्ते नई रेसिपीज पेश करने का प्रयास करेंगे, तो इनके अलर्ट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल पर प्लीज क्लिक करें। और हाँ, अब तक अगर आपने ना किया हो तो फूड कमराडरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।